छल्ले बनाकर उसके ऊपर लगा दिए। इसके बाद एक कैन में छेद करके एक पतला सा पाइप उसमें फंसा दिया, फिर एक इंजेक्शन में पानी भर के उस कैन के अंदर डाल दिया और फिर कैन को उन दोनों छल्लों में फिट कर दिया। इसके बाद दो वायर लेकर यहाँ पर स्टैंड खड़ी करी और एक फैन लेकर उन दोनों के बीच में डाल दिया। तो अब तैयार है हमारा हॉट स्टीम इंजन। फिर गैस टॉर्च की मदद से जब मैंने इसे गर्म किया तो प्रेशर के साथ इसमें से स्टीम निकलने लगी और इसके आगे लगा पंखा बहुत ही तेज।